तो हेलो दोस्तों, चाचा भतीजे की जोड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मचाया धमाल। पहले ही मैच में किया ये कमाल। तो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में इस समय 3 टेस्ट मैच एक साथ खेले जा रहे हैं। टीम इंडिया अपने घर पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, दूसरी ओर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच भी टेस्ट सीरीज चल रही है। वहीं अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेल रही है। इस मैच में चाचा भतीजे की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में कई भाइयों की जोड़ी खेल चुकी है, लेकिन चाचा भतीजे की जोड़ी काफी कम ही देखने को मिलती है। श्रीलंका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के लिए 4 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था। इसमें 35 साल के नूल अली जादरान का नाम भी शामिल है। वहीं टीम में मौजूद इब्राहिम जादरान नूर अली के भतीजे हैं। खास बात यह है कि इस मैच की शुरुआत से पहले इब्राहिम जादरान ने ही अपने चाचा नूल अली जादरान को टेस्ट डेब्यू कैप थमाई थी। सियाली स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। नूल अली जादरान और इब्राहिम जादरान को इस मैच में बतौर ओपनर खेलने का मौका मिला। मैच की पहली पारी में चाचा भतीजे की जोड़ी कुछ खास नहीं कर सकी थी, लेकिन दूसरी पारी में दोनों के बीच 106 रन की साझेदारी हुई। मैच के तीसरे दिन स्टंप्स तक इब्राहिम जादरान 101 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं नूर अली 47 रन बनाकर आउट हुए। अफगानिस्तान की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की, लेकिन वह पहली पारी में 198 रन पर ही ढेर हो गई। इसके जवाब में श्रीलंका ने एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाया। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 439 रन बनाए। हालांकि दूसरी पारी में अफगानिस्तान ने शानदार वापसी की है और एक विकेट के नुकसान पर 199 रन बना लिए हैं, लेकिन वह अभी भी श्रीलंका से 42 रन पीछे है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।